जो है 5 लाख से ऊपर वालों के लिए 10,000 की पेनल्टी है। आज की जो जानकारी है इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की है सरकार ने उसके बारे में है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि हम लोग कल एक स्पेशल डिस्कशन लेके आए थे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो हमारे फ्रेंड भी हैं उनके साथ, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि व्यापारी भाइयों के लिए भारत सरकार ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए क्या राहत दिया है उसके बारे में हम लोग कल एक वीडियो लेके आए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न के टॉपिक को कवर करेंगे कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या राहत दिया है और क्या टाइमिंग को बढ़ाया है, पेनल्टी कितना है या नहीं है, वो सारे डिस्कशन करेंगे। और कल की भांति आज भी हमारे चैनल में इन्वाइट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सुनील कुमार झंवर जी को, और आगे भी हम लोग उनको इन्वाइट करेंगे, आगे भी उनसे हम लोग टाइम लिए हुए हैं ताकि वो अच्छी अच्छी जानकारी, हमारे आपके फायदे की जानकारी जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वो बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले सेशन में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, और अगर आप कोई नया टॉपिक पे, फाइनेंशियल टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो आए तो हम लोग भी लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सुनील जी के बारे में। सुनील जी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लगभग 7-8 साल वो कॉर्पोरेट लाइफ में सेवा दे चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। 7-8 साल सेवा देने के बाद उन्होंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया और पिछले 7-8 साल से वो उत्तराखंड में काफी सारी कंपनियों को, व्यापारियों को, चाहे वो मंझले हो, बड़े व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, उनको सेवा दे रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिटेल में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के भारत सरकार ने आपको और हमको क्या राहत दिया है, क्या डेट एक्सटेंड किया है, और डिटेल में समझते हैं। आइए स्वागत करते हैं सुनील झंवर जी को। सुनील जी वेलकम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अमित गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस चैनल में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज की जो जानकारी है इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की है सरकार ने उसके बारे में है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, उसकी जो अंतिम तिथि है रिटर्न फाइल करने की, वो बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। जी हाँ, वो बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। तो अगर हम इंडिविजुअल रिटर्न्स की बात करें तो उसपे जो है ओरिजिनल जो उसकी ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2020 थी, जिसको बढ़ाते बढ़ाते सरकार ने 10 जनवरी तक कर दिया गया था, 10 जनवरी 2021 तक। उसके बाद में भी अगर कोई रिटर्न फाइल करता है 31 मार्च तक तो वो लेट फीस के साथ में कर सकता है, और ये जो 31 मार्च की जो डेडलाइन है वो सरकार ने बढ़ाकर 31 मई कर दी है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर 31 मई कर दी है। जैसा हम सबको मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको भविष्य में बहुत ही हेल्प करता है। कभी भी आप लोन लेना चाहते हैं या कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई फायदा उठाना चाहते हैं गवर्नमेंट की फैसिलिटी का, आईटीआर का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्रेडिट स्कोर देखने के लिए और आपके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अगर आपने गलती से किसी भी कारण से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप जरूर करवा लें, उसका डेट 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है, राइट सुनील जी? जी अमित जी, इसकी जो डेट है वो 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है, और जिस भी करदाताओं को ये रिटर्न अगर फाइल नहीं किए है किसी भी कारणवश और वो अब अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो लेट फीस के साथ में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, बहुत लोगों के मन में भी आता है कि लेट फी कितना चलेगा, लेट फी कितना रहेगा, पेनाल्टी कितना रहेगा, क्योंकि बहुत बार मालूम नहीं पड़ता है कि पेनाल्टी कितना देना है गवर्नमेंट को, थोड़ा बताइए ना प्लीज। जी अमित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जो जिन भी करदाताओं को रिटर्न फाइल करने की जरूरत थी और उन्होंने नहीं की है और उनकी जो इनकम 5 लाख से कम है तो उनके लिए 1,000 रुपए की पेनल्टी है, और उनसे ऊपर जो है 5 लाख से ऊपर वालों के लिए 10,000 की पेनल्टी है, तो वो ये पेनल्टी देके 31 मई तक रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर वो चाहें तो वो रिटर्न फाइल कभी नहीं करवा पाएंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप 31 मई तक का उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो आगे आपके लिए दिक्कत हो सकता है, तो आप इसको जरूर पॉइंट को सीरियसली लें। एक और क्वेश्चन ये है हमारे मन में कि इस डेट को बढ़ाने का
जो लॉजिक है वो गवर्नमेंट क्या सोची होगी, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हम लोग तो फाइनेंस रिलेटेड नहीं है, आप लोग उस फील्ड में माहिर हैं, तो आपको थोड़ा सा मालूम पड़ते रहता है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है बेसिकली। वो डेट जनवरी से मई के मई ही क्यों, क्या उनके पीछे लॉजिक है, क्या वो क्या सोच रही है, थोड़ा जानकारी दीजिए ना। अमित जी, मुझे ये लगता है कि सरकार के पीछे दो अहम वजह होगी इस डेट को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो जो कोरोना काल है, जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, वो शायद हो सकता है रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हों, तो उनके लिए ध्यान में रखते हुए उन्होंने, सरकार ने ये डेडलाइन बढ़ा दी है। उसके अलावा एक कारण और हो सकता है, जो कि 31 मार्च को लास्ट डेट थी, ड्यू डेट थी, और उस दिन टेक्निकल साइट की वजह से, एरर की वजह से बहुत सारे करदाता रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। उस ये भी एक रीजन हो सकता है बढ़ाने के लिए। तो मैं ये कहूंगा, जो भी करदाता जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं कर पाए इस रीजन से, तो वो अपनी रिटर्न जरूर फाइल करवा लें। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आगे भी आपसे हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे और आपसे टाइम लेते रहेंगे। उम्मीद है आप हमें टाइम देंगे, हमारे लिए टाइम देंगे, हमारे व्यूअर्स लिए टाइम देंगे, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, घंटा भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक पे कोई सलाह चाहिए, कोई टॉपिक पे आपको डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। ओवर टू सुनील जी। धन्यवाद अमित जी, बहुत ही अच्छा ये आपका चैनल है, जिसके माध्यम से लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंच रही है, और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाते रहें। धन्यवाद अमित जी। थैंक यू।